अगर लोगों ने हमारी खरीदी हुई मीडिया को देखना बंद कर दिया और सोशल मीडिया पे वो लोग शिफ्ट हो गए, तो हम लोग कैसे अपनी न्यूज़ को, अपनी गलत न्यूज़ को, अपने झूठे प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर पाएंगे लोगों में? यही सोच के बीजेपी ने शुरू किया होगा इनका आईटी सेल। 2014 से लेकर अब तक इन्होंने या तो नेहरू की फोटोशॉप से कोई गलत फोटो को पोर्ट्रे किया है, या फिर इन लोगों ने गांधी परिवार के नामों को मुसलमान नाम बना के व्हाट्सएप पे स्प्रेड किया है। और कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुस्लिम मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैंने भी पढ़ी। जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मैं मोतीलाल मुसलमान नाम है? नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। फिरोज गांधी का है? फिरोज नहीं, नहीं, फिरोज गांधी तो है ही। फिरोज जो फिरोज गांधी क्या है, मुस्लिम है? क्या पढ़ा क्या आपने, हम लोग को बताइए ना थोड़ा, इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। बताइए। मोइनुद्दीन नाम है उनका, बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने इसे पढ़ी थी, कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद कि कुछ मैं यह नाम कुछ भ्रमित हो रही हूँ, भूल रही हूँ, बाकी कुछ ऐसा है। फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे वो। फिरोज खान थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी मैंने एक बायोग्राफी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी उनके ऊपर, तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। हाँ, पर फिरोज खान लगाते थे वो पहले करना। ये कहाँ पढ़ा आपने? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आईटी सेल यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल, ये पार्टी का डिपार्टमेंट होता है जो वेबसाइट को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता है अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए लोगों तक। और ये आईटी सेल कोई लिमिटेड नहीं होता किसी भी पार्टी के लिए, ये हर पार्टी का अपना एक आईटी सेल होता है, अपना एक डिपार्टमेंट होता है। कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो कांग्रेस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो पहुंचाएगा लोगों तक, और जो बीजेपी का आईटी सेल है वो बीजेपी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पहुंचाता है। तो ये हर पार्टी में होता है। तो जैसा मैंने बताया कि एक डिपार्टमेंट होता है, इसमें लोगों को हायर किया जाता है और डिजिटली ये लोग ऐसा काम करते हैं, ये वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करते हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आईटी सेल, कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है पार्टी का, वो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट कंपनी का काम करता है। आज के जमाने में जब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है टेक्नोलॉजी हर एक आदमी के लिए, तो अब जो आईटी सेल है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पार्टी के लिए उसकी सक्सेस का बैकबोन बन चुका है। ये आईटी सेल क्या करता है, ये जो देश के यूथ है ना, ये उससे अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे डायरेक्ट कनेक्ट होने की कोशिश करता है और उन लोगों को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमारी पार्टी आपके लिए बेहतर है और आप हमको वोट दें। तो यहाँ पे यूथ के साथ मैनिपुलेशन करने में बहुत बड़ा हाथ होता है आईटी सेल का। तो अगर हर आईटी सेल अपनी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती है, इन्फॉर्मेशन देती है, तो फिर बीजेपी आईटी सेल इतना बदनाम क्यों है? क्योंकि वो भी तो वही प्रोपोगंडा और वही प्रमोशंस करता है जो दूसरे लोग करते हैं, लेकिन फिर बीजेपी इतना बदनाम क्यों है? बीजेपी इसलिए बदनाम है क्योंकि सिर्फ वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा को प्रोपोगेट नहीं करता है, वो कंपटीशन की हिस्ट्री को मैनिपुलेट करता है, वो लोग कंपटीशन की प्रेजेंट सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है, पुरानी क्लिपिंग्स को लगाने के बाद लोगों को मैनिपुलेट करता है, लोगों के माइंड के साथ मैनिपुलेशन करता है, जो यूथ है उसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है। और क्योंकि 14, 15, 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हिस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, तो हिस्ट्री की गलत क्लिपिंग्स, गलत फोटोशॉप को इस्तेमाल करके हिस्ट्री को ही चेंज करके उनके सामने रखता है, जिससे लोगों को लगने लगता है कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, और लोग उनसे जुड़ने लगते हैं, उन्हें लगने लगता है कि ये कोई आया है जो हमें सच्चाई बता रहा है। तो इसलिए बीजेपी का जो आईटी सेल है वो इसलिए बहुत बदनाम है। लेकिन ये बदनाम उनकी नज़रों में है जिन्हें सच मालूम है, जिन्हें जिनके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, उन्हें तो लग रहा है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो सही है, लेकिन जिन्हें सच्चाई मालूम है उनकी नज़र में बीजेपी बहुत बदनाम, बीजेपी आईटी सेल बहुत बदनाम है। ये आजकल मीम्स के जरिए लोगों को डिफेम करना शुरू कर चुके हैं। कंपटीशन, राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन ये पप्पू हैं, ये एक्चुअली में इन्होंने ऐसी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन निकाल के दी हैं लोगों के सामने कि गल्फ न्यूज़ दिखा रहा है कि राहुल गांधी पप्पू है। ये फोटो देखिए, गल्फ न्यूज़ का है, इस फोटो में क्लियरली लिखा है कि राहुल गांधी को कंसिडर किया जा रहा है पप्पू, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आईटी सेल है वो फोटोशॉप का इस्तेमाल करके ऐसी इमेज बना रहा है ताकि इस देश के उन लोगों को ऐसा लगने लगे कि देखो इंडिया के बाहर की मीडिया भी राहुल गांधी को पप्पू मानती है। तो डिफेम करने का एक तरीका है। तो इसलिए बीजेपी के आईटी सेल पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, बहुत मैनिपुलेट करता है वो, और ये बहुत सिस्टमैटिक ढंग से हमको मैनिपुलेट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्योंकि ये इतनी पुरानी चीज़ों को सामने लेके आते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो अब जो हमें दिखता है ज़्यादातर लोग उसी पर यकीन करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ नॉर्मल लोग इसको ट्वीट्स नहीं करते, इसमें ऑफिशियल टिक वाले भी इतने आपको दिखेंगे, तो लोगों को लगने लगता है कि यार ये ट्वीट जिसने किया है उसका तो, उसके पास तो ऑफिशियल टिक है, तो शायद कहीं ना कहीं ये सच होगी। तो हम लोग रिसर्च को इग्नोर करते हैं और जो बात हमको दिखाई जाती है हम उस पर यकीन करने लगते हैं। तो कि जो
बड़े लोग हैं जिनके पास ऑफिशियल टिक है, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों का काम करते हैं पैसे लेके, तो हम लोगों को लगने लगता है कि जो ये बताया जा रहा है वो सही है। तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इन लोगों ने हमको मैनिपुलेट करने का सोचा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो टॉपिक ट्रेंडिंग में नहीं है कब वो चीज़ नॉर्मल डे में ट्रेंडिंग में आ जाता है, पता भी नहीं चलता। ये लोग, इन लोगों का सिस्टम है, ये लोग एक ही टाइम पे कितने बजे कौन से दिन पे ये हैशटैग चलाना है ये वही चलाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि देश में कुछ ट्रेंडिंग, ये कुछ लिमिटेड लोग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। ये लोग फेक आईडीज बना के भी ऑपरेट करते हैं, तो एकदम से नॉर्मल डेज में भी ये लोग ट्रेंड को चला देते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर टॉपिक जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है। और आईटी सेल का मेन प्रोपेगेंडा क्या है, ये जानने के लिए आप बस एक बार आईटी सेल के जो हेड है ना अमित मालवीय, उनके ट्वीट्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हमारे जो देश का यूथ है वो इनसे डायरेक्ट टच में है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप और ट्विटर एक बहुत बड़ी चीज है। अब हर इंसान इसको इस्तेमाल करता है, ट्विटर करे या ना करे, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जो हर इंसान इस्तेमाल करता है। उस पर ग्रुप्स बने हुए हैं, उस पर जब रॉन्ग इंफॉर्मेशन जाती है तो यूथ जो आज 14-15-16 साल का है, हम 18 को बाद में लेते हैं, 14-15-16 साल का भी जो है वो भी इन ग्रुप्स में है, तो जब वो इस चीज़ को देखता होगा तो इस एज में अगर वो रिसर्च नहीं करता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है बिना रिसर्च करे, तो उसके माइंड में शुरू से वही बात निकलेगी और वो उसी को लेके आगे बढ़ता रहेगा। तो यूथ जो है हमारा डायरेक्ट इन लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी फेक न्यूज़ को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिसर्च। आपको जब सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें दिखें या आपको व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस दिखें, तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे आर्टिकल्स पर जाएँ, द हिंदू है, द हिंदुस्तान टाइम से, आप ऐसी जगहों पे ऐसे सोर्स लें जहां पे आपको लगे कि ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, और वहां पे फिर आप कंपैरिजन करें कि कितनी रियलिटी इस मैसेज में हमको दिखाई गई थी और रियल चीज है क्या। तो वहां से आपको खुद रियलाइज होगा कि कैसे हम लोगों को झूठा प्रोपेगेंडा, झूठे एजेंडा हमको दिखाए जा रहे हैं, या तो कंपटीशन को डिफेम करने के लिए या अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाने के लिए। कितने ही हिस्टोरिकल कोट्स हमको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें हमको ये दिखाया जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था, या चाणक्य ने ये कहा था कि जब पूरा विपक्ष ऐसा हो जाए तो समझ लो कि पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाए और राजा जो है वो ईमानदार है, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बातें, या इलॉन मस्क की वो कोटेशन जिस पर रिसेंटली उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये बात मैंने कभी नहीं कही कि मैं कभी हार्वर्ड नहीं गया, लेकिन जो लोग हार्वर्ड गए उनको मैं हायर करता हूँ। इस बात पे अभी रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया था कि ये बात मैंने कभी नहीं कही। तो सोशल मीडिया पे एक्चुअली मैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन का मैंने एग्जांपल दिया, तो हिस्टोरिकल इवेंट से ज़्यादा हम लोग जुड़े नहीं रहते, हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है। तो ऐसे कोटेशंस को भी हमने बहुत देखा है जो दिखाए जाते हैं हमको, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोगों को वो रियल लगने लगते हैं। तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल वैसा ही बीजेपी का आईटी सेल हमारे साथ मैनिपुलेशन कर रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई जाएं, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, उसको ठीक है हमने जब देख लिया, उसके बाद जो जेन्युइन सोर्सेज हैं हम उसके ऊपर जाएं, उसके बाद दोनों को कंपेयर करें कि इसमें कितनी झूठी बातें हैं और रियलिटी क्या है, तब हमें पता चलेगा कि कैसे यूथ के दिमाग के साथ बीजेपी का आईटी सेल मैनिपुलेशन कर रहा है।